हेलो गाइस, तो चलिए आज आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो टॉपिक है कुछ ही ना, ट्रेंडी चिमनी 60 हो चाहे 75 चाहे 90 हो, इसमें आप ऑटो क्लीन प्रोसेस को कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोग चिमनी तो ले लिए हैं लेकिन इसका ऑटो क्लीन प्रोसेस आप लोगों को पता ही नहीं है, तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को ऑटो क्लीन कैसे करना है आप लोगों को लाइव करके दिखाते हैं, और उस हिसाब से आप अपना जो चिमनी है कुछ ही ना ट्रेंडी चिमनी, उसमें आप ऑटो क्लीन प्रोसेस को कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस को आप लोगों को करके दिखा देते हैं। जो भी इस चैनल में नया लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा लीजिए, फिर आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा कुछ ना ट्रेंडी चिमनी। तो इसका ये रहा, इसका इसको कहा जाता है टच पैनल या डिस्प्ले, ठीक है, स्विच पैनल इसको कहा जाता है। तो किस प्रकार से आप ऑटो क्लीन को करेंगे, ठीक है, इसमें देखिए ऑलरेडी कनेक्शन किया हुआ है। पहले तो आपको करना क्या है, ये जो पावर बटन है इसको पहले एक बार दबाना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो देखिए यहाँ पर लाइट और ऑटो क्लीन का एक ही बटन है, तो दोनों बटन में एक ही काम करेगा, लाइट भी काम करेगा और ऑटो क्लीन भी काम करेगा। तो एक बार दबाएंगे तो लाइट काम करेगा और 3 सेकंड तक इसे प्रेस करके रखेंगे तो जो है ऑटो क्लीन फंक्शन वो इसका चालू हो जाएगा। तो चलिए लाइव करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो चलिए अभी करते हैं, पहले इसको दबाते हैं एक बार हमने इसको दबा दिया है, अभी करना क्या है, इसे एक बार दबाएंगे तो जो देखिए इसका जो है LED लाइट जल रहा है। ठीक है, हम लाइट को बंद कर देते हैं, इसे ही दबाएंगे तो लाइट बंद हो जाएगा, नहीं तो इसे भी दबाएंगे तो भी लाइट बंद हो जाएगा। देखिए हम इसे दबा दिए हैं, ठीक है, लाइट बंद हो गया है, फिर से हम दोबारा इसे एक बार दबा देते हैं, दबा दिए हैं, पावर इसका ऑन हो चुका है, देखिए लाल लाइट जल रहा है। ठीक है जल रहा है अभी। अभी इसको अगर बंद करेंगे तो हम इसको बंद कर देते हैं, देखिए लाइट नहीं जल रहा है, अभी इसको दबाएंगे तो लाइट इसमें जलेगा। तो आपको उस चीज़ में ध्यान रखना है कि आपका लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, अगर नहीं जल रहा है तो आपको पता चल जाए कि उसमें कनेक्शन नहीं हुआ, पावर बटन ऑन नहीं हुआ, तो अभी एक्टिव अवस्था में है। अभी करना क्या है, इसको आपको देखिए अभी इसमें लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है, इसको आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। ठीक है, एक बीप का साउंड देगा, बीप का साउंड दे दिया है, और देखिए यहाँ पर देखिए लाइट का जो है दीप दप करके जो है लाइट जो है यहाँ पर जल रहा है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये क्या होगा, करीबन 10 से 11 मिनट तो हर एक चिमनी में कुछ ना का इसमें आप करीबन 10-11 मिनट तो क्या होगा इसी प्रकार का ये जलता रहेगा। ठीक है, और क्या होगा, जब इसका लास्ट एक मिनट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर तो डिस्प्ले में दिखने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो लास्ट एक मिनट में, अभी तो देखिए इसमें चिमनी चल नहीं रहा है, नॉर्मल अवस्था में है, लास्ट एक मिनट में क्या होगा, चिमनी आपका ये जो 1, 2, 3 यहाँ पर स्पीड में है, तो एक स्पीड में चिमनी आपका चलने लगेगा, फुल जो चलने लगेगा और एक मिनट तक फुल चलेगा, उसके बाद क्या होगा आपका चिमनी जो इस प्रकार का, अभी देखिए इसमें क्या होगा, ब्लिंक कर रहा है, लाइट ब्लिंक कर रहा है, उस टाइम में क्या होगा ये पूरा इस अवस्था में आ जाएगा, कोई भी लाइट नहीं जलेगा उसमें। ठीक है, और वो पूरा एकदम नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, उस टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो चिमनी है उसमें कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। अभी क्या है, जिस टाइम में आप ऑटो क्लीन प्रोसेस को करके रखेंगे, जब ये लाइट ब्लिंक करता रहेगा, उस टाइम में आपको करना क्या है, उस टाइम में आपको ना इसको भी छेड़ ना इसको दबाना है, ना इसको दबाना है, किसी भी चीज़ को दबाना नहीं है, और ना करंट को बंद करना है। अगर बंद कर देंगे तो आपका जो ऑटो क्लीन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फुल ऑटो क्लीन प्रोसेस का कंप्लीट ऑटो क्लीन प्रोसेस। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जिस प्रोसेस से मैंने आपको बुलाऊँ सेम प्रोसेस कीजिएगा, उसके बाद इसे छोड़ दीजिएगा 10-11 मिनट के बाद देखिएगा आपका चिमनी ऑटोमेटिकली चलेगा, उसके बाद फुल एक मिनट तक चलने के बाद ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा। उस टाइम में घर में अगर कोई रहेगा जो ऑटो क्लीन प्रोसेस को किया नहीं होगा, और उस टाइम में वो आएगा तो बोले कि चिमनी तो हमने चलाया नहीं, फिर ऑटोमेटिकली चलने कैसे लगा है, इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम आया है, उनको पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। तो आपने ऑटो क्लीन प्रोसेस को हो सकता है कि आपने गलती से दबा दिया होगा, या फिर आप किसी ने दबाया होगा वो उस टाइम में आपका ऑटो क्लीन प्रोसेस हो रहा तो एक मिनट तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ऑटो क्लीन प्रोसेस को हर एक हफ्ता में एक बार जरूर कर लीजिएगा। क्या होगा, फिर आपका जो चिमनी है इसका जो लॉन्जिबिलिटी और भी बढ़ेगा, और जो फिल्टरलेस चिमनी ऑटो क्लीन में लिए हैं इसका जो काम है वो काम इसका सही होगा, और उसका अंदर पूरा क्लीन रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का वीडियो आपको चाहिए होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए,
पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको जरूर दबा के रखिए, फिर आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड नाइट।